जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहानपुर यूपी का केस, चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, विभत्स होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 मिनट के अंदर देश के किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में, बस्ती में, हर 3 मिनट में कोई ना कोई बच्ची, महिला, बुजुर्ग रेप का शिकार होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि ना तो देश की महिला बाल विकास मंत्री के पास अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने का समय है, ना पीड़िता के परिवार से मिलने का समय है, लेकिन उनके पास लाल किले में गीता प्रेरणा महोत्सव के अंदर फोटो खिंचवाने का समय है। उसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री जी के भी पास बड़े बड़े ने स्पोर्ट्स पर्सन हो या अभिनेता हो, उनके साथ फोटो खिंचाने का समय है, उनकी शादियां अटेंड करने का समय है, लेकिन देश की बेटियों पर हो रहे अत्याचार, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनके पास अंधेरी काली रात में सरकार बनाने का पूरा समय है, उनके पास विधायक खरीदने का समय है, लेकिन देश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए देश के सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा गृह मंत्री के पास समय नहीं है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अध्यक्ष जी कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे। बिल्कुल चिंता नहीं है। आज देश में महिला सुरक्षा बेतुकी बातें लगी है आपको, बेटियों की सुरक्षा आपको बेतुकी बातें लगती है। अध्यक्ष जी, इनका शब्द निकलवाएं आप, पहले कार्रवाई से बेतुका शब्द निकलवाएं। मैं आपको शर्म आनी चाहिए, केंद्र में आप बैठे और बेटियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। ऊपर से कह रहे हैं बेतुका बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती विजेंद्र गुप्ता जी? आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आपकी आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। राखी जी प्लीज, माननीय सदस्यगण प्लीज, राखी जी कंटिन्यू। अध्यक्ष जी, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगी, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। अध्यक्ष जी, आए दिन चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे 27 साल की डॉक्टर हो, चाहे 56 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर कोई हवस का शिकार बन रहा है, हर कोई रेप का शिकार बन रहा है, लेकिन सियासत में बैठे इन सियासतदानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फूल सी बच्ची को नोच ले, कोई युवा बेटी को जिंदा जला दे, कोई बुजुर्ग महिला को नोच डाले, लेकिन इन सियासतदानों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल उठता है कि देश जा किस ओर रहा है, देश की ये 50% जो आबादी है इसको सुरक्षा मिलेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। और अध्यक्ष जी, देश की इन बेटियों को, देश की इन महिलाओं को, देश की इस आधी आबादी को सुरक्षा जब मिलेगी, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की मानसिकता बेटियों के सम्मान में हो, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार की जो सोच है वो महिलाओं को सम्मान देने की हो। लेकिन आज अध्यक्ष जी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुर्भाग्यवश देश की केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है
जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। इसके मैं पुख्ता उदाहरण पेश करती हूं। आज इन सदन पटल के ऊपर उन्नाव रेप केस, आरोपी कुलदीप कुमार सेंगर, बीजेपी का विधायक, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ जम्मू का केस, इसमें भी आरोपी बीजेपी के नेता पाए जाते हैं। शाहजहानपुर यूपी का केस, चिन्मयानंद स्वामी एक बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, विभत्स होकर उससे मालिश कराता था। कौन है वो आदमी? वो है पूर्व गृह राज्य मंत्री बीजेपी की सरकार का, स्वयं इस देश का गृह मंत्री, नामजद तड़ीपार रह चुका है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे देश का कानून कहता है, ये मेरे देश के न्यायालयों ने और जजों ने कहा है, ये राखी बिड़ला ने आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। अध्यक्ष जी, ये इतना गंभीर मामला, देश की आधी आबादी आज बाहर निकलते हुए ये सोचती है कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। आज हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जब मेरी जैसी बेटियां अपने काम पर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जाती हैं, तो पता नहीं होता कि किस स्थिति, किस परिस्थिति में वो बेटी वापस आएगी। मन में अगर महिलाओं के लिए सम्मान है तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है, उन्हें न्याय भी दिलाया जा सकता है और उनका सशक्तिकरण भी किया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि देश में आज जो स्थिति है वो स्थिति भविष्य में ना हो, इसके लिए आज हर एक बेटी को जागना होगा, हर परिवार के सदस्य को जागना होगा और उखाड़ कर फेंकना होगा ऐसी मानसिकता के नेताओं को, जो मानसिकता वो महिलाओं के विरोध में रखते हैं और जो उनकी मानसिकता महिला विरोधी झलकती है।